ये कहानी है हॉस्टल में आए नए लड़के सैम की, जहां उसे आते ही उसके दोस्तों से पता चला कि जिस कमरे में वो रहने आया है उसी कमरे में परसों पहले किसी ने आज ही के दिन आत्महत्या की थी। क्या वाकई में हॉस्टल के उस कमरे में किसी रूह की मौजूदगी थी, या फिर हॉस्टल में रहने वाले लड़कों का सैम के साथ किया जा रहा एक मजाक। सुनते हैं। सुना है सैम, तुझे पता है अपने हॉस्टल के पीछे एक कब्रिस्तान है, अगर तू वहाँ जाकर एक पत्थर भी उठा लाए ना तो मैं तुझे 500 रुपए दूंगा। अरे यार विजय, इतना सिंपल काम, सैम को छोड़ मैं जाता हूँ, मुझे कमा लेने दे 500 रुपए। अरे यहीं तक तो जाना है यार। अरे नहीं यार तू नहीं, पता है बहुत आसान सा काम है, बस सैम अपना नया फ्रेंड है ना, इसलिए ये ऑफर सिर्फ सैम के लिए। चल ठीक है यार विजय। ए सैम क्या बोलता है, सिर्फ 5 मिनट का काम है तेरे लिए और 500 तेरे। अबे सोच मत यार, फट्टू है क्या, जा चला जा और 500 कमा ले, वरना मेरी तो लाइन क्लियर है। ठीक है मैं कब्रिस्तान जाऊंगा, पर पहले तुम में से किसी एक को वहां जाना होगा, और इसके लिए मैं 500 नहीं पूरे 1000 रुपए दूंगा। क्या बात कर रहा है। हाँ 1000 रुपए, पर कब्रिस्तान जाकर उस बड़े से बबूल के पेड़ के नीचे से एक फूल उठाकर लाना होगा तुम्हें। अरे बस चल मैं जाता हूँ, लेकिन उसके बाद तुझे जाना पड़ेगा। हाँ ठीक, उसके बाद मैं भी कब्रिस्तान जाऊंगा। और सैम का दोस्त विजय 12 बजते ही कब्रिस्तान की सीमाएं उसकी टूटी दीवारों को लांग गया। चारों तरफ अंधेरा फैला था, जानवरों की अजीब सी आवाजें जैसे सन्नाटे की पहरेदारी कर रही थी। विजय एक पल को ठिठक गया, तभी पीछे से अजीब सी आवाज आई और विजय ने अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा लिए। कुछ देर चलकर उसे अंधेरा ओढ़े बबूल का एक पेड़ दिखाई दिया। वो थोड़ा और आगे बढ़ा और उस पेड़ के नीचे पहुंच गया। वहां बहुत से टूटकर गिरे फूल पड़े थे, पर बबूल का पेड़ तो पूरी तरह से जला हुआ था, उस पर फूल तो दूर एक सूखा पत्ता तक नहीं था। फिर ये बबूल के फूल पेड़ के नीचे कैसे आए? विजय को डर जैसे छूकर गुजर गया। उसने शर्त के मुताबिक जल्दी से फूल उठाकर वहां से भागना चाहा, और जैसे ही फूल उठाने के लिए झुका उसकी नजर एक कब्र पर पड़ी। इस कब्र से जुड़ा ऐसा क्या राज था जिसे देखकर विजय के होश उड़ गए, जानते हैं कहानी के अगले भाग में।